भक्ति तत्व विवेक प्रथम अध्याय भक्ति का स्वरूप। युगपदरा जते यस्मिन भेदा भेद विचित्रता वंदे तम कृष्ण चैतन्यम पंच तत्वान्वितम स्वतः प्रणम्य गौरचंद्रस्य सेवकान शुद्ध वैष्णवनाम भक्ति तत्व विवेका खयम शास्त्रम वक्ष्यामि यत्नतः। विश्व वैष्णव दास्यस्य शुद्र स्याकिंचनस्य मे एतम अस्मिन् उद्मे एकम बलम भागवती शमा। परम आदरणीय वैष्णवजन, विशुद्ध हरि भक्ति का आस्वादन करना तथा इसका प्रचार प्रसार करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए हमारा सबसे पहले कर्तव्य शुद्ध हरि भक्ति का स्वरूप निर्णय करना है। इस अनुशीलन से दो लाभ होंगे। पहला ये कि विशुद्ध हरि भक्ति का स्वरूप जान लेने पर भक्ति के विषय में हमारा सारा अज्ञान दूर हो जाएगा, जिसमें हम विशुद्ध भक्ति का अमिश्र भाव से आस्वादन कर मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकेंगे। दूसरा लाभ यह होगा कि हम भक्ति के नाम पर चलने वाले अर्वाचीन दूषित एवं मिलावटी मतवादों से अपनी रक्षा भी कर सकेंगे। दुर्भाग्यवश आजकल जन समाज में भक्ति के नाम पर कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा आदि मिश्रा भक्ति तथा नाना प्रकार के दूषित एवं कल्पित मतवाद समूह महामारी के कीटाणुओं की भांति यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं। इससे जनसाधारण इन दूषित और मिश्रित कुमतों को ही भक्ति समझकर इनका आदर करते हैं तथा शुद्ध भक्ति से वंचित रह जाते हैं। दूषित एवं मिश्रित मतवाद समूह हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भक्ति कुछ नहीं है, ईश्वर एक काल्पनिक भान मात्र है, मनुष्यों ने ही ईश्वर की कल्पना की है, भक्ति एक चित्त व्याधि है, इससे हमारा कोई भी लाभ नहीं है, ऐसे लोग विरोधी होने पर भी हमारा अधिक अनिष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को शीघ्र ही पहचान लेते हैं और उनसे दूर रहते हैं। किंतु जो लोग ये कहते हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्तम धर्म है, परंतु उसके साथ ही साथ स्वयं शुद्ध भक्ति के विपरीत आचरण करते हैं तथा दूसरों को भी शुद्ध भक्ति के विपरीत सिद्धांतों की शिक्षा भी देते हैं, ऐसे लोग हमारा अधिकतर अहित करते हैं। भक्ति के नाम पर विपरीत तत्वों की शिक्षा देकर अंत में हमें भगवत भक्ति के विपरीत मार्ग पर ला देते हैं। इसलिए हमारे पूर्व आचार्यों ने यत्न पूर्वक शुद्ध भक्ति का स्वरूप निर्णय कर हम लोगों को दूषित मिश्रित मतों से बचाने के लिए बार बार सावधान किया है। हम क्रमशः उनके उपदेशों का अनुशीलन करेंगे। उन्होंने शुद्ध भक्ति का स्वरूप निर्णय करने के लिए अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की है। इनमें से श्री भक्ति रसामृत सिंधु एक अत्यंत उपादेय ग्रंथ है। उक्त ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्ति का साधारण लक्ष्य निर्णय करते हुए लिखा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद नावृतम आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उपरोक्त श्लोक के एक एक शब्द का विवेचन करने की आवश्यकता है, अन्यथा भक्ति का लक्षण समझ में नहीं आ सकता है। इस श्लोक में जो उत्तमा भक्ति कहा गया है उसका तात्पर्य क्या है? क्या उत्तमा भक्ति शब्द से ये समझना होगा कि एक अधमा भक्ति भी है या और कुछ? उत्तमा भक्ति का तात्पर्य ये है कि भक्ति रूपी लता जिस समय पूर्ण शुद्ध या निर्मल अवस्था में होती है तब उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। जैसे निर्मल जल कहने से शुद्ध जल का बोध होता है, अर्थात उस जल में कोई दूसरा द्रव्य, गंध या रंग मिश्रित नहीं है। उसी प्रकार से उत्तमा भक्ति शब्द से निर्मल, अमिश्र, केवला और अकिंचना भक्ति का बोध होता है। इन विशेषणों के द्वारा भक्ति के विपरीत भाव को ग्रहण नहीं करना चाहिए। विपरीत भाव वर्जित होने से शुद्ध स्वभाव ही परिलक्षित होता है। केवल भक्ति शब्द का व्यवहार करने से जो अर्थ बोध होता है, इन समस्त विशेषणों से युक्त भक्ति शब्द के द्वारा भी उसी अर्थ का बोध होता है। तब क्या भक्ति रसाचार्य श्री रूप गोस्वामी ने निरर्थक ही उत्तमा विशेषण का प्रयोग किया है? नहीं। जिस प्रकार जल पीने वाले व्यक्ति स्वभावता ही यह पूछते हैं कि क्या यह जल निर्मल है, उसी प्रकार जन समाज में अधिकांश
मिश्रा भक्ति लक्ष्य कर आचार्यों ने उत्तम भक्ति का लक्षण निरूपण करना अत्यंत आवश्यक समझा है। यथार्थ में रसाचार्य श्री रूप गोस्वामी ने केवल भक्ति का ही लक्षण निरूपण किया है। छल भक्ति, प्रतिबिंब भक्ति, छाया भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति आदि शुद्ध भक्ति नहीं है। इसका क्रमशः विवेचन आगे प्रस्तुत किया जाएगा। भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, अनुकूलमय कृष्ण अनुशीलन ही भक्ति है। इस श्लोक में अनुशीलन शब्द का अर्थ दुर्गम संगमनी टीकाकार श्रीजीव गोस्वामी ने लिखा है कि अनुशीलन शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला, प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप शरीर मन और वाणी की चेष्टा रूप अनुशीलन। दूसरा, प्रीति विषय आत्मक मानस भाव रूप अनुशीलन। अनुशीलन दो प्रकार का होने पर भी मानस भाव रूप अनुशीलन चेष्टा रूप अनुशीलन के अंतर्गत ही है। अतएव चेष्टा और भाव परस्पर आधारित होते हैं और अंत में चेष्टा ही एकमात्र अनुशीलन के लक्षण के रूप में परिवर्तित होती है। शरीर मन और वाणी की चेष्टाएं कृष्ण के लिए अनुकूल होने पर ही भक्ति नाम धारण करती हैं। कंस और शिशुपाल कृष्ण के प्रति सदा सर्वदा शरीर मन और वाणी की चेष्टाएं करते तो हैं, परंतु उनकी वैसी चेष्टाओं को भक्ति नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनकी चेष्टाएं कृष्ण प्रीति के अनुकूल नहीं वरन प्रतिकूल है। प्रतिकूल चेष्टाओं को भक्ति नहीं कहा जाता। भक्ति शब्द भज धातु से निष्पन्न होता है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है, भज एते एष वे धातु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुद्धे प्रोक्ता भक्ति ही साधन भूयसी। इस श्लोक के अनुसार कृष्ण सेवा को ही भक्ति कहा गया है। सेवा ही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। मूल श्लोक में कृष्ण अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल भक्ति शब्द के चरम उद्देश्य एकमात्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण के नारायण आदि दूसरे दूसरे रूपों के प्रति भी भक्ति शब्द का प्रयोग होता है, किंतु श्री कृष्ण रूप के प्रति भक्ति की जैसी पूर्ण क्रिया लक्षित होती है वैसी अन्य अन्य रूपों के प्रति नहीं। इस विषय का विवेचन उपयुक्त प्रसंग आने पर विस्तृत रूप से किया जाएगा। अभी इतना जान लेना आवश्यक है कि भगवत तत्व ही भक्ति का एकमात्र विषय है। मूलतः परतत्व एक होने पर भी वह तीन रूपों में प्रकाशित है, ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व और भगवत तत्व। जो लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा तत्व वस्तु का दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख पाते हैं। वे लोग मायिक जगत के गुणों का व्यतिरिक्त भाव से चिंतन करते करते अर्थात नेति नेति कहते हुए माया को पार करने के लिए जो आध्यात्मिक चेष्टा करते हैं उसके द्वारा वे एक अचिंत्य अव्यक्त निराकार निर्विकार ब्रह्म दर्शन की कल्पना करते हैं, किंतु मायक गुणों का अभाव कल्पना करना ही वस्तु का यथार्थ दर्शन नहीं है। वे लोग ये सोचते हैं कि मायक जगत के नाम रूप गुण और क्रियाएं ये सब नश्वर एवं दुखपूर्ण है, इसलिए मायातीत ब्रह्म का कोई नित्य नाम कोई नित्य रूप कोई नित्य गुण एवं कोई नित्य लीला आदि कुछ भी नहीं होता। आध्यात्मिक तार्किक जन निर्गुण श्रुतियों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे मन और वाणी से अगोचर हैं, उनके कान नहीं हैं, उनके अंग प्रत्यंग नहीं हैं इत्यादि। ये ठीक है, परंतु कवि कर्णपूर कृत श्री चैतन्य चंद्रोदय धृत श्रीमन महाप्रभु के वाक्यों पर विचार करने से इन तर्कों का पूर्ण रूप से समाधान हो जाता है। या श्रुति जलपति निर्विशेषम स साविधत्ते सविशेषमेव विचार योगे सति हंत तासम प्रायो बलिय सविशेषमेव। जिन जिन श्रुति वाक्यों में निर्विशेष तत्व की बात कही गई है उन उन श्रुति वाक्यों में ही सविशेष तत्व का भी उल्लेख है। श्रुति वाक्यों का भली भांति समन्वय करने पर सविशेष तत्व ही बलवान दिख पड़ता है। जैसे किसी जगह श्रुति कहती है कि उनके हाथ पैर और आंखें नहीं हैं, परंतु उसमें देखना होगा कि वे सब कुछ करते हैं, सर्वत्र गमन करते हैं और सब कुछ श्रवण करते हैं।
अब इसकी शुद्ध मीमांसा यह है कि बद्ध जीवों की तरह उनके प्राकृत हाथ पैर नहीं है, उनका शिव विग्रह अप्राकृत है, अर्थात उनका वह शिव विग्रह प्रकृति के 24 तत्वों से अतीत विशुद्ध चिन्मय है। फलतः केवल ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करने से निराकार ब्रह्म ही चरम तत्व प्रतीत होते हैं। इसमें सूक्ष्म बात यह है कि केवल ज्ञान प्राकृत वस्तु है, अर्थात प्राकृत जगत में हम जो कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं अथवा जो भी सिद्धांत स्थिर करते हैं वे प्रकृति के ऊपर निर्भय करके ही स्थिर करते हैं। इसलिए यह सिद्धांत या तो जड़ीय सिद्धांत होता है या व्यतिरेक सिद्धांत द्वारा जड़ से विपरीत एक तत्व गठित हो जाता है, किंतु इसके द्वारा यथार्थ चिन्मय तत्व की उपलब्धि नहीं होती। श्रीजीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में आध्यात्मिक ज्ञानवादियों के प्राप्य तत्व का निरूपण इस प्रकार किया है। श्रीजीव गोस्वामी के वाक्यों का तात्पर्य यह है कि नेति नेति वृत्ति के द्वारा जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है तब माया के अतिरिक्त चिन्ह मात्र वस्तु का दिग्दर्शन मात्र होता है, उसके भीतर जो चिद विशेष है उसका दर्शन नहीं होता। यदि उस समय सविशेष तत्वविद वैष्णव गुरु मिल जाए तभी भ्रमलय रूप अनर्थ से रक्षा हो सकती है। केवल योग मार्ग के अनुसार जो तत्व का अनुशीलन करते हैं वे अंत में विश्वव्यापी परमात्मा तत्व तक पहुंच पाते हैं, शुद्ध भगवत तत्व तक नहीं पहुंच पाते। परमात्मा, ईश्वर, सगुण विष्णु आदि समस्त शब्द योग मार्ग के अनुसंधेय हैं। इस मार्ग में भक्ति के कतिपय लक्षण पाते हैं परंतु शुद्ध भक्ति नहीं। साधारणता भागवत धर्म के नाम पर संसार में जितने भी धर्म हैं वे सभी परमात्मा अनुसंधान रूप योग विशेष हैं। ये सब अंत में भागवत धर्म तक पहुंचा ही दें ऐसी आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि योग मार्ग के सोपानों से तत्व वस्तु तक पहुंचने में बहुत सी बाधाएं हैं तथा अंत में अहंकारोपासना अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ द्वारा केवल आध्यात्मिक ज्ञान के गड्ढे में ही गिरने की अधिक संभावना होती है। इस मार्ग में परमेश्वर के नित्य विग्रह का दर्शन और चित तत्व के विशेष धर्म की प्राप्ति का सुयोग नहीं है। उपासना काल में जिस विग्रह की कल्पना की जाती है वे या तो विराट मूर्ति होती है अथवा हृदय के मध्य स्थित हिरण्य गर्भ मूर्ति होती है, वास्तव में उन मूर्तियों की नित्यता नहीं है। इसे परमात्मा दर्शन कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा यह श्रेष्ठ होने पर भी सर्वांग सुंदर और सिद्ध मार्ग नहीं है। अष्टांग योग, हट योग, कर्म योग आदि योग समूह इसी मार्ग के अंतर्गत हैं। राजयोग या आध्यात्मिक योग कुछ हद तक इस मार्ग पर स्थित होने पर भी अधिकांश क्षेत्रों में ज्ञान मार्ग के ही अंतर्गत हैं। सिद्धांत यह है कि परमात्मा दर्शन को शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता। इस विषय में भक्ति संदर्भ में कहा गया है कि अंतर्यामी मित्मया माया शक्ति प्रचुर चिज शक्तिश विशिष्टम परमात्मेति, अर्थात जगत के सृष्टि होने के पश्चात भगवान का जो अंश माया शक्ति के अधीश्वर रूप से जगत में प्रवेश कर जगत के नियामक रूप में विराजमान है वही जगदीश्वर या विश्वव्यापी परमात्मा है, तथा इनमें चिज शक्ति का प्रकाश कम तथा माया शक्ति का प्रकाश अधिक होता है। इसलिए परम नित्य भगवत तत्व से इस तत्व की न्यूनता स्वतः सिद्ध है। केवल भक्ति मार्ग द्वारा जो तत्व लक्षित होता है उसी का नाम भगवान है। भक्ति संदर्भ में भगवत तत्व का लक्षण इस प्रकार लिखा है, परिपूर्ण सर्वशक्ति विशिष्ट भगवत आनिति, संपूर्ण शक्ति चिन्मय सर्वशक्तियों से युक्त तत्व का नाम भगवान है। जगत की सृष्टि हो जाने पर परमात्मा रूप अंश द्वारा जगत में अनुप्रविष्ट होकर समस्त विराट अंतर्यामी स्वरूप में एवं जीवों के अंतर्भूत होकर शिरोदक्षाई और गर्भदक्षाई के रूप में विराजमान है। पुनः समस्त मायिक जगत के व्यतिरिक्त तत्व रूप निर्विशेष आविर्भाव द्वारा ब्रह्म स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। अतः भगवान ही मूल तत्व और परिपूर्ण वस्तु विशेष हैं। उनका स्वरूप विग्रह चिन्मय है, संपूर्ण आनंद उनमें निवास करता है, उनकी शक्ति अचिंत्य और अवितर्क्य है, वे किसी जीव ज्ञान गत विधि के अधीन नहीं है। उसी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से
समग्र विश्व का और विश्व में स्थित जीव समूह का प्रादुर्भाव हुआ है। जीव शक्ति से उत्पन्न जीव समूह उनका अर्थात भगवान का एकांत अनुगत्य धर्म अर्थात उनकी सेवा प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। उस अनुगत्य धर्म की नाम भक्ति ही अपने चिन्मय नेत्रों से भगवान के अस्मा उर्द अर्थात जिसके ना तो कोई बराबर हो और ना जिससे बड़ा ही हो सौंदर्य का दर्शन कराती है। ज्ञान और योग भगवान का स्पर्श करने में समर्थ नहीं है। ज्ञान को भगवत तत्व के साथ जोड़ देने से वह तत्व स्वरूपहीन ज्योति स्वरूप ब्रह्म के रूप में प्रतीत होता है। यदि उनको योग मार्ग से देखा जाए तो वह जड़ जगत में छिपे हुए परमात्मा स्वरूप में दिख पड़ते हैं। भक्ति अतिशय पवित्र वस्तु है। भक्ति कभी भी भगवता की हानि नहीं देख पाती। यदि कहीं देख भी लेती है तो उसको सहन नहीं कर पाती है। परम तत्व के इन त्रिविध आविर्भावों में भगवत तत्व रूप आविर्भाव ही भक्ति का विषय है। परंतु भगवत आविर्भाव में भी एक प्रकार का तात्विक भेद है। जहाँ स्वरूप शक्ति का पूर्ण ऐश्वर्य प्रकाशित है वहाँ भगवत आविर्भाव पर व्योमनाथ देवदेव नारायण स्वरूप में प्रकाशित होते हैं, और जहाँ स्वरूप शक्ति का पूर्ण माधुर्य प्रकाशित है वहाँ भगवत आविर्भाव श्री कृष्ण रूप में प्रकाशित होते हैं। ऐश्वर्य सभी जगह बलवान होने पर भी माधुर्य के प्रभाव से हीन प्रभ हो पड़ता है। जड़ जगत में इस विषय की कोई तुलना नहीं है, उसका कोई भी उदाहरण दिखाई नहीं पड़ता है। जड़ जगत में ऐश्वर्य माधुर्य से अधिक बलवान होता है, परंतु चित जगत में ठीक इसके विपरीत होता है। वहाँ ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुर्य श्रेष्ठ और अधिक शक्तिशाली होता है। हे अंतरंग भक्तगण, आप लोग एक बार ऐश्वर्य का ध्यान कर पीछे माधुर्य तत्व को हृदय में प्रेम के साथ लाकर देखें। ऐसा करने से ये तत्व समझ सकते हैं। जिस प्रकार जड़ जगत में सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश लीन हो जाता है, हृदय में माधुर्य का स्वाद उदित होने पर ऐश्वर्य का स्वाद अच्छा नहीं लगता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है, सिद्धांतस्तव भेदोऽपि श्री यश कृष्ण स्वरूपयो रसनोत्कृष्यते कृष्ण रूपम एष रस्त स्थिति। नारायण और कृष्ण स्वरूप सिद्धांत के विचार से अभेद होने पर भी रस की अधिकता से कृष्ण रूप ही श्रेष्ठ है, क्योंकि रस तत्व की ऐसी ही महिमा है। आगे ये सब तत्व क्रमशः स्पष्ट होते जाएंगे। यहाँ पर एकमात्र यही ज्ञातव्य है कि श्री कृष्ण के संबंध में अनुकूलमय अनुशीलन ही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। जो बात मूल श्लोक में कही गई थी वही सिद्ध हो गई। अन्य विलासिता से रहित होना और ज्ञान कर्मादि से अनावृत रहना ये भक्ति का तटस्थ लक्षण है। विष्णु भक्ति प्रवेक्ष्यामि यया सर्वमापयेत। भक्ति संदर्भ के इस आदि श्लोक में भक्ति के तटस्थ लक्षण का विवेचन हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जिस विष्णु भक्ति की बात कही जा रही है उस भक्ति के द्वारा जीव सब कुछ पा लेता है। प्राप्ति की आशा का नाम ही अभिलाषिता है। अन्य विलासिता शब्द से कोई यह ना समझे कि भक्ति की उन्नति और उसके उत्कर्ष की अभिलाषा भी परित्यज्य है। मेरी साधन भक्ति भाव अवस्था को प्राप्त करे, ऐसी अभिलाषा उत्तम है। परंतु इसके अतिरिक्त अन्य अन्य समस्त प्रकार की अभिलाषाएं परित्याग करने योग्य हैं। अन्य अभिलाषाएं दो प्रकार की होती हैं, भुक्ति अर्थात भोगों की अभिलाषा और मुक्ति की अभिलाषा। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति श्रीहा यावत पिशाची हिदि वर्तते तावत भक्ति सुखास्त्रया कथम बुद्धय भवेत। जब तक भुक्ति और मुक्ति की कामना रूप दो पिशाचियां हृदय में वर्तमान रहती हैं, तब तक स्वरूप सिद्धा भक्ति का पवित्र सुख तनिक भी उदय नहीं होता। कायिक और मानसिक भोग मात्र भुक्ति शब्द के अंतर्गत हैं। इस जन्म में निरोग रहना, सुस्वादु भोजन की प्राप्ति, बल वीर्य की प्राप्ति, धन जन स्त्री पुत्र कन्या यश और जय की प्राप्ति, ये सब कुछ भुक्ति के अंतर्गत है। मरने के बाद ब्राह्मण कुल में जन्म, राजकुल में जन्म, स्वर्ग की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति आदि समस्त प्रकार के पारलौकिक सुख भी
भक्ति के ही हैं। अष्टांग योग, अष्टादश सिद्धियां और 8 प्रकार के ऐश्वर्य भी भक्ति के ही अंतर्गत हैं। भक्ति की पिपासा से मनुष्य काम के अधीन होकर काम क्रोध आदि 6 रूपों के वश हो पड़ता है। मत्सरता आसानी से हृदय पर अधिकार कर लेती है, अतः शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए भुक्ति की कामना को संपूर्ण रूप से दूर रखना चाहिए। भुक्ति कामना को छोड़ने के लिए बद जीवों को विषयों का परित्याग कर वन में जाना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। वन में जाने से ही अथवा सन्यासी का वेश ग्रहण करने से ही भला भुक्ति क्यों छोड़ने चली। यदि हृदय में भक्ति रहे तो विषयों के बीच अनासक्त रूप से रहने पर भुक्ति हमारा पीछा छोड़ सकती है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, रुचिम उद्वत हस्त तत्र जनस्य भजने हरे विषयेषु गरिष्ठोऽपि राग प्रायो विलयते अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुजयन्तः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम विराग्यम् उच्यते प्रपंचत कतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षो भी परित्याग्यो वैराग्यम् फल्गु कथयेते। जिस समय कृष्ण भजन में जीव की रुचि होती है, उस समय जीव की विषयों के प्रति गाढ़ी आसक्ति रहने पर भी वह कर्मशः लुप्त प्राय हो पड़ती है। उस समय वे अनासक्त भाव से आवश्यकता अनुसार विषयों को ग्रहण करते हुए उन विषयों को कृष्ण संबंधी जानकर जो आचरण करते हैं उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। जो लोग हरि संबंधी वस्तुओं को प्रपंचिक अर्थात मायामय जानकर जड़ीय मुक्ति की कामना से उनका त्याग कर देते हैं, उनका वैराग्य फल्गु या तुच्छ है। शारीरिक जीव के लिए विषयों का संपूर्ण रूप से परित्याग करना संभव नहीं, परंतु विषयों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को दूर कर समस्त विषयों में भगवत भाग रखते हुए उन्हें ग्रहण करने से उसे विषय भोग नहीं कहा जाता। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द यही विषय हैं। संसार को इस प्रकार से देखना चाहिए कि संसार के समस्त रूप कृष्ण से संबंधित दिखाई दें, अर्थात समस्त जीवों को भगवान के दास दासी के रूप में देखें। बाग बगीचों और नदियों को कृष्ण के विरह स्थानों के रूप में देखें। समस्त प्रकार के भोज्य पदार्थ को कृष्ण के उपभोग योग्य नैवेद्य के रूप में दर्शन करें। समस्त प्रकार के गंधों में कृष्ण प्रसादी गंध की उपलब्धि हो। इसी प्रकार समस्त प्रकार के रसों को कृष्ण के आस्वादनीय रसों के रूप में दर्शन करें। समस्त द्रव्य जिन्हें हम स्पर्श करते हैं वे कृष्ण संबंधित द्रव्य ही जान पड़े और हरि कथा या उनके भक्तों की कथा का ही श्रवण किया जाए। ऐसी भावना होने पर विषयों के प्रति भगवत बहिर्मुख भावना नहीं होती। भोगों में जो सुख होता है उसे स्वयं भोगने की प्रवृत्ति रहने से भक्त के हृदय में भुक्ति प्रबल हो उठती है और भक्ति पद से उस साधक को च्युत कर देती है। दूसरी ओर संसार की समस्त वस्तुओं को कृष्ण की सेवा के उपकरण के रूप में ग्रहण करने से भक्ति की कामना संपूर्ण रूप से दूर हो जाती है तथा शुद्ध भक्ति प्रकाशित हो जाती है। जैसे भक्ति की कामना को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, वैसे ही मुक्ति की कामना को दूर करना सर्वतोभावेन कर्तव्य है। मुक्ति के संबंध में कुछ निगूढ़ विचार हैं। शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्ति का उल्लेख देखा जाता है, सालोक्य शास्त्री सरूप्य समीप्य एकापयुत दिमान गृणन्ति बिना मत सेवनम जना। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, मेरे शुद्ध भक्त जन सालोक्य शास्त्री सरूप्य समीप्य और एकत्व 5 प्रकार की मुक्ति दिए जाने पर भी ग्रहण नहीं करते, वे केवल मेरी सेवा ही ग्रहण करते हैं। सालोक्य मुक्ति में भगवान का लोक प्राप्त होता है। भगवान के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति का नाम शास्त्री है। भगवान की निकटता की प्राप्ति का नाम सामीप्य है। भगवान विष्णु जैसे चतुर्भुज रूप प्राप्ति को सारूप्य मुक्ति कहते हैं। सायुज्य प्राप्ति का नाम एकत्व भी है। सायुज्य मुक्ति 2 प्रकार की होती है, ब्रह्म सायुज्य और ईश्वर सायुज्य। ब्रह्म ज्ञान से अंत में जीवों को ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है। आध्यात्मिक शास्त्रों के अनुसार आचरण करने से ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है। पतंजल योग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से कैवल्य रूप ईश्वर सायुज्य की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए ये दोनों प्रकार की सायुज्य मुक्तियाँ अत्यंत हे हैं।
जो लोग चरम अवस्था में सायुज्य प्राप्त होने की आशा रखते हैं, वे भी भक्ति का आचरण तो करते हैं, परंतु उनकी भक्ति अनित्य और धूर्तापूर्ण होती है। वे लोग भक्ति को नित्य धर्म नहीं मानते, वे तो भक्ति को केवल ब्रह्म प्राप्ति का एक उपाय मात्र मानते हैं। उनकी दृष्टि में ब्रह्म प्राप्ति के पश्चात भक्ति ही नहीं रहती। इसलिए आध्यात्मिक साधक पुरुषों के निकट भक्ति की दुर्दशा होती है। जो लोग सायुज्य मुक्ति को चरम फल मानते हैं, उनके हृदय में शुद्ध भक्ति का कभी भी निवास नहीं होता। दूसरी मुक्तियों के संबंध में श्री गोस्वामी का कथन है, अत्र त्यज्यते अव्योक्ता मुक्ति पंच विधापि चेत सलोक्य आदेश तथापि अत्र भक्त्या नाति विरुद्धयेत। सुख ऐश्वर्य उत्तरास्येयं प्रेम सव्योत्तरे अपि सलोक्य आदि द्विधा तत्र नाद्य सेवा जुषमता किंतु प्रमेख माधुर्य जुष एकांतिनो हरो नेवांगे कुर्वते नातु मुक्ति पंच विधामपि। पूर्वोक्त पांच प्रकार की मुक्तियां भक्तों के लिए परित्यज्य होने पर भी सालोक्य सामीप्य सारूप्य और शास्त्री, ये चार प्रकार की मुक्तियां भक्ति के अत्यंत विरुद्ध नहीं हैं। उक्त चार प्रकार की मुक्तियां पात्र भेद से दो आकार धारण करती है, स्वसुख ऐश्वर्य प्रदानकारी और प्रेम सेवा प्रदानकारी। जो लोग अंग्र उपासना आदि उपाय के द्वारा वैकुंठ लाभ करते हैं, वे मुक्ति द्वारा सुख और ऐश्वर्य रूप फल प्राप्त करते हैं। सेवकगण अर्थात भक्तजन ऐसी मुक्ति को किसी भी अवस्था में अंगीकार नहीं करते, और अनन्य प्रेमी भक्तजन तो उक्त पांचों प्रकार की मुक्तियों में से किसी एक को भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए शुद्ध भक्तों में मुक्ति की कामना नहीं होती। इस प्रकार मुक्ति की कामना ना होने ही अन्य अभिलाषता शून्य होना है, यही भक्ति का एक तटस्थ लक्षण है। ज्ञान और कर्म आदि से अनावृत होना भक्ति का और भी एक दूसरा तटस्थ लक्षण है। ज्ञान कर्मादि शब्दों में जो आदि पद है, उसके द्वारा अष्टांग योग, वैराग्य, सांख्य योग आदि उपाधिक धर्मों का बोध होता है। पहले कहा गया है कि जीव के अनुकूल में कृष्ण अनुशीलन को भक्ति कहते हैं। जीव चिन्मय है, कृष्ण भी चिन्मय है, और भक्ति वृत्ति जिससे जीव कृष्ण के साथ नित्य संबंध स्थापित करते हैं, वे भी चिन्मय है। जीव शुद्ध अवस्था में स्थित होने पर भक्ति वृद्धि का स्वरूप लक्षण अकेला ही कार्य करता है। उस समय तटस्थ लक्षण के लिए अवकाश नहीं होता। जीव के बद होकर जड़ जगत में स्थित होने पर भक्ति के स्वरूप परिचय के साथ और भी दो तटस्थ परिचय उपस्थित हो पड़ते हैं। जड़ जगत में जीव की अन्य अभिलाषाएं रहती हैं, इसलिए शुद्ध भक्ति का परिचय देते समय अन्य अभिलाषा से रहित होना ये परिचय देना पड़ता है। चित जगत में इस परिचय की आवश्यकता नहीं होती। जीव संसार समुद्र में पतित होकर नाना प्रकार के बहिर्मुख कार्यों में लिप्त हो जाता है। इससे उसको कृष्ण विस्मृति रूप एक रोग आक्रमण करता है। उस रोग की ज्वाला से तड़पाते हुए जीव में संसार समुद्र से उधार पाने की कामना पैदा होती है। वह उस समय मनी मन अपने आप को धिक्कार करते हुए कहता है, हाय, मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। मैं इस दुस्तर संसार सागर में गिरकर अनंत वासना रूप लहरों के थपड़ों से इधर उधर भटक रहा हूँ। समय समय पर काम क्रोध रूप मगर आदि हिंसक जंतुओं द्वारा आक्रांत होकर मारा गया कहता रहता हूँ। बचने की तनिक भी आशा दिखाई नहीं देती। क्या करूँ? क्या मेरा कोई बंधु नहीं है? क्या मेरी रक्षा का कोई भी उपाय नहीं है? हाय, क्या करूँ? कैसे उधार पाऊँ? कुछ भी समझ में नहीं आता। हाय हाय, मैं नितांत हतभागा हूँ। ऐसा कहते कहते जीव थक कर चुप हो जाता है। ऐसी दशा में करुणा वरुणालय कृष्णचंद कृपा पूर्वक उस जीव के हृदय में भक्ति लता के बीज स्वरूप श्रद्धा नामक एक असंपूर्ण भाव का बीज बोते हैं। वही बीज श्रवण कीर्तन आदि अनुशीलन रूप जल द्वारा पुष्ट होकर क्रमशः अंकुरित, पल्वित और पुष्पित होकर लता का रूप धारण करता है। अंत में जीव का सौभाग्य उदित होने पर उस भक्ति लता में प्रेम रूप फल लगता है। अब श्रद्धा रूपी बीज के क्रम विकास का वर्णन क्रमशः किया जा रहा है। अभी यही तक जान लेना उचित है
कि जिस दिन हृदय में श्रद्धा बीज पड़ता है उसी दिन वहां भक्ति देवी का आविर्भाव होता है। श्रद्धा रूपी भक्ति एक सुकुमारी बालिका है, जीव के हृदय में उसके प्रवेश के समय से ही खूब सावधानी से उसको निरोग अवस्था में रखना उचित है। जिस प्रकार ग्रस्त अपने अत्यंत सुकुमारी बालिका की धूप शीत विषैले जीव जंतुओं तथा भूख प्यास से रक्षा करता है, उसी प्रकार नवजात श्रद्धा देवी को समस्त प्रकार के अशुभों से अनावृत अर्थात मुक्त रखना चाहिए। अन्यथा ज्ञान कर्म योग जड़ आसक्ति और शुष्क वैराग्य आदि के अनिष्ट कर संसर्ग से श्रद्धा क्रमशः उत्तम भक्ति के रूप में प्रस्फुटित ना हो सकेगी, बल्कि अनर्थों के मिश्रण से क्रमशः वे अन्य रूप धारण कर लेती है। अर्थात श्रद्धा देवी भक्ति रूपी ना होकर अनर्थ रूपा हो पड़ती है। जब तक यथार्थ साधुसंग रूप धात्री के द्वारा लालित पालित होकर एवं भजन रूप औषधि और पथ्य द्वारा अनर्थ शून्य होकर श्रद्धा सुकुमारी निष्ठा रूप में उन्नत नहीं हो जाती, तभी तक उसका रोग का डर बना रहता है। निष्ठा हो जाने पर कोई भी अनर्थ उसका सहज ही अनिष्ट नहीं कर पाता। यदि श्रद्धा देवी को भली भांति यत्न पूर्वक पुष्ट न किया गया तो ज्ञान वैराग्य अध्यात्म विचार सांख्य आदि अभ्यास रूपी तरह तरह के कीड़े मकोड़े दीमक मच्छर और दूषित वायु के द्वारा वे दूषित हो पड़ती है। बद्ध अवस्था में जीव के ज्ञान वैराग्य आदि तो अनिवार्य हैं, परंतु ये ज्ञान आदि भाव यदि प्रतिकूल प्रकार के हों तो ये भक्ति को नष्ट कर देते हैं। अतएव श्री जीव गोस्वामी ने यहाँ ज्ञान शब्द से निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान को लक्ष्य किया है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। प्रथम अध्यात्म ज्ञान जो मुक्ति को लक्ष्य करता है, और द्वितीय भगवत तत्व ज्ञान जो भक्ति के साथ साथ जीव के हृदय में उदित होता है। प्रथम आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति का विरोधी है, ऐसे ज्ञान को दूर रखना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के बाद ही भक्ति उत्पन्न होती है, किंतु ये बात सर्वदा भ्रमपूर्ण है। ऐसे ज्ञान से भक्ति शुष्क हो जाती है, परंतु श्रद्धा से भक्ति अनुशीलन के साथ साथ जीव के हृदय में ईश्वर जीव और माया का परस्पर संबंध निरूपक जो तत्व ज्ञान उदित होता है वह भक्ति का सहायक है। उसी का नाम अहेतुक ज्ञान है। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री सुत गोस्वामी ने कहा है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनते आशु वैराग्यम ज्ञानश्च यद अहेतुकम्। अपूर्वोक्त समस्त बातों पर ध्यान पूर्वक विचार करने से पता चलता है कि ज्ञान कर्मादि द्वारा आच्छादित ना होकर अर्थात इन सब भावों को अपने सेवक के रूप में ग्रहण कर अन्य अभिलाषा से शून्य होकर जो अनुकूलमय कृष्ण अनुशीलन होता है वही उत्तमा भक्ति है। भक्ति ही जीव की एकमात्र आनंदमय प्रवृत्ति है, उसके अतिरिक्त समस्त प्रकार की प्रवृत्तियां बहिर्मुख हैं। भक्ति की सहायता से कभी कभी कर्म आरोप सिद्धा भक्ति के रूप में परिचित होता है। भक्ति की सहायता से कभी कभी ज्ञान भी संग सिद्धा भक्ति के रूप में परिचित होता है, परंतु वे कभी भी स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं हो सकते। स्वरूप सिद्धा भक्ति केतव शून्य अमिश्र आनंद स्वरूप होती है, अर्थात इसमें स्वर्ग और मोक्ष की कामना नहीं होती, किंतु आरोप सिद्धा भक्ति में भोग और मोक्ष की कामना छिपी रहती है, इसलिए इसको सकेतव भक्ति भी कहते हैं। हे अंतरंग वैष्णवगण, आप लोगों को स्वभावतः स्वरूप सिद्धा भक्ति के प्रति ही रुचि होती है, आरोप सिद्धा या संग सिद्धा भक्ति के प्रति रुचि नहीं होती, क्योंकि ये दोनों प्रकार की भक्तियां स्वरूपता भक्ति नहीं है। उन दोनों भावों का भक्ति नाम तो कुछ दूसरे लोगों ने ही रख दिया है, वास्तव में उनको भक्ति नहीं भक्ति आभास कहा जाता है। यदि सौभाग्यवश भक्ति आभास के द्वारा भक्ति के स्वरूप के प्रति श्रद्धा हो जाए तभी वह अंत में भक्ति के रूप में परिणत होती है, परंतु ये सहज बात नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा शुद्ध भक्ति से च्युत होने की ही अधिक संभावना होती है। इसलिए सर्वत्र ही स्वरूप सिद्धा भक्ति करने का उपदेश पाया जाता है। इस छोटे से लेख में
शुद्धा भक्ति का स्वरूप वर्णन किया गया है। पूर्व आचार्यों के पूर्व एवं परवर्ती समस्त उपदेशों का भली भांति विवेचन कर उनके मनोभावों को स्वल्प अक्षरों में लिपिबद्ध करने की इच्छा से निम्नलिखित एक श्लोक को प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्ण चिदात्मा के कृष्णे जीवस्यानुचिदात्मनः उपाधि रहित चेष्टा भक्ति स्वाभाविकी मतः। श्री कृष्ण सर्वदा पूर्ण शक्ति संपन्न वृह चैतन्य तत्व हैं। जीव उनका कीर्तन स्थानीय अनुचैतन्य तत्व विशेष है। पूर्ण चैतन्य के प्रति अनुचैतन्य की स्वाभाविकी उपाधि रहिता चेष्टा का नाम भक्ति है। अन्य अभिलाष ज्ञान और कर्म के प्रति आग्रही उपाधि है। स्वाभाविकी चेष्टा कहने से अनुकूलमय अनुशीलन को ही समझना चाहिए।